हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो है, ये हमारे पास LG 21 इंच का किट आया है, फ्लैटोन देख पा रहे हैं। फ्लैटोन 21 इंच का किट है। इसका पर्सनल आईसी का नंबर है AN4 3105 PS AN4। GST नंबर है 1682। ठीक है दोस्तों, और STR का नंबर है 6554। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम है LED थ्री टाइम ग्लो करके डेड हो जा रहा है। तो हम क्या करें, इसका सोल्यूशन करके आप लोगों को दिखाएंगे इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम का पहला देख लेते हैं क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, LED ग्लो कर रहा है, तो हम स्टैंड बाय रिलीज करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने टाइम बाय रिलीज़ कर दिया, एक बार दो बार, देखिए LED ग्लो करके डेड हो जा रहा है। देखिए थ्री टाइम ग्लो करके बंद हो गया। तो इसका हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, कुछ वोल्टेज मेजरमेंट करके आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, वोल्टेज कहाँ पर अप डाउन कर रहा है। तो हमने पहले पावर दे दिया, तो उसके बाद हम टाइमर रिलीज कर दिया। तो देखिए देखिए रेगुलेटर वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसका प्रॉब्लम अलग अलग कारण से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देख पा रहे हैं पोजिशन नंबर। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल आउटपुट पर एक रेजिस्टेंस है R555 1.5, इसके खराब होने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर 39 के और यहाँ पर 3.3 के रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों खराब होने की वजह से ये भी हो सकता है। और यहाँ पर एक 100 KPF है, ये खराब होने की वजह से ये भी हो सकता है। ठीक है, और प्रोसेसर ख़राब होने की वजह भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहले इसको चेंज करके देखा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद हमने ये चेंज कर देखा है, 39 का 3.3 के रेजिस्टेंस को चेंज करके देखा, उसके बाद ये भी सॉल्व नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक पीएफ जैसा है 100 के एक पीएफ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक 100 KPF है, इसके ख़राब होने की वजह से हो सकता है। अगर हमने ये भी चेंज करके देख लिया, कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोसेसर आईसी को चेंज करा। प्रोसेसर आईसी चेंज करने के बाद भी ये सोल्यूशन नहीं निकला। तो देखिए दोस्त, हमने प्रोसेसर भी चेंज कर देख लिया, सोल्यूशन नहीं निकला। तो प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम था, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, एक कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से हमारा प्रॉब्लम हो रहा था। ये खराब प्रोसेसर है, हम लोगों को दिखाने के लिए हमने ये किया। तो हम एक नया कैपेसिटर लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को नया कैपेसिटर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा कैपेसिटर, देख पा रहे 116 वोल्ट का, देख पा रहे। ये देखिए 116 वोल्ट का कैपेसिटर, ये हम यहाँ पर लगा के आप लोगों को दिखाएंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो कैपेसिटर था वो हमने चेंज कर दिया। देखिए ये हमारा कैपेसिटर थे, हमने चेंज कर दिया, इसका पोजिशन नंबर C517। तो हम क्या करेंगे, आप पावर देखें, देखेंगे प्रॉब्लम
सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमने टीवी को पावर दे दिया। पहले हम क्या करें, 110 वोल्ट देखेंगे, देखिए 109 वोल्ट आ रहा है। अब हम क्या करें, इसका टाइमर रिलीज़ करेंगे। तो हमने टाइमर रिलीज़ कर दिया, तो देखिए 8.9 आ रहा है, अप डाउन अब नहीं कर रहा है। देखिए देख पा रहे, फिक्स्ड है, अप डाउन नहीं हो रहा है। देखिए उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, वर्टिकल आईसी का वोल्टेज, टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है कैसे पता करेंगे। तो वर्टिकल आईसी अगर ऑन हो गया, इसका मतलब टीवी ऑन हो गया। तो हम देखिए -13 एक पॉजिटिव 13 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा टीवी ऑन हो गया। उसका मतलब वीडियो वोल्टेज, वीडियो आउटपुट वोल्टेज देखिए 1.5, तो इसका मतलब हमारा टीवी ऑन हो गया। तो ये हमारा कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।